दोस्तों, हम नेगेटिविटी को छोड़ना तो चाहते हैं। बेफालतू के ये जो विचार हैं, जिन्होंने हमारे दिमाग पर कब्जा कर रखा है, उन्हें हटा देना चाहते हैं। थक भी गए हैं इन नेगेटिव विचारों से, और ऐसा नहीं है कि कुछ ट्राई नहीं किया इन विचारों को अपने दिमाग से हटाने के लिए। बहुत सारे टिप्स अपना लिए, जो किसी ने नेगेटिविटी हटाने के लिए बताए वो सब कर लिया, लेकिन ये विचार खत्म होते ही नहीं है। इन विचारों ने जैसे दिमाग को जकड़ रखा है, बार बार लगातार हम नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं, नेगेटिव ही सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सारी कोशिशें करने के बाद भी आप नेगेटिव विचार छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? इसकी वजह है दोस्तों, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। और आज के वीडियो में मैं उसी जड़ के बारे में आपको बताऊंगी। अगर आपने आपकी जो जड़ है वो पकड़ ली, तो यकीन मानिए आप नेगेटिव विचारों से आज ही मुक्त हो जाएंगे। बस आपको जरूरत है ये वीडियो पूरा सुनने की और समझने की। आप सोचिए कि क्या आप कोई भी विचार पॉजिटिव करते हैं, या फिर कोई भी बात जो आप अपने घर वालों से करते हैं या किसी से भी करते हैं वो पॉजिटिव है? क्या आप कोई भी शुरुआत पॉजिटिव करते हैं, जैसे दिन की शुरुआत, ऑफिस की कोई मीटिंग, खाना बनाने की शुरुआत या फिर बच्चों की पढ़ाई? आप एक दिन खुद पर फोकस करके देखिए। आपको एहसास होगा कि जाने अनजाने हम कैसी कितनी ही चीजों की शुरुआत गलत सोच के साथ में करते हैं। घर से निकलने से पहले ही सोच लेते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा ही, वहां तो ऐसा होगा ही, ये तो होता ही है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और हम ऐसे विचारों को मन में लाते हैं क्योंकि पिछली बार के हमारे अनुभव ऐसे थे। लेकिन इस बार यही सोचकर या दोहराकर आपने उसके होने की संभावना को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। फिर अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो आप एक गलत दिशा की ओर चले ही जाएंगे और आपका जो विश्वास है वो पूरी तरीके से दृढ़ हो जाएगा। आपके साथ पिछली बार भी कुछ भी हुआ हो या फिर बार बार लगातार क्यों नहीं हुआ हो, लेकिन जब शुरुआत सकारात्मकता से करेंगे तो जीवन में सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। जब हम अपने मन को साफ रखते हैं, अच्छे संकल्प के साथ एक मिनट खामोशी से मौन धारण करके बैठकर कोई भी काम शुरू करते हैं, तो वो काम पॉजिटिव ही होगा या फिर हमारे विचार पॉजिटिव ही होंगे। इसके परिणाम भी हमारे पक्ष में ही आएंगे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप घर से निकले, आपको कहीं पहुंचना है, लेकिन आप पहले ही 10 मिनट देरी से निकले हैं। इस स्थिति में निकलने से पहले ही विचार मन में आ गया कि देर हो गई, अब तो वक्त पर पहुंचना और भी मुश्किल हो जाएगा, और इस तरह हमने मन की स्थिति को कमजोर कर दिया। अब अगर आप वक्त पर भी वहां पहुंच गए जहां आपको जाना था, तो भी आपके मन के लिए स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो काम पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि आप 10 मिनट लेट हुए हैं, तो 10 मिनट काम डिले हुआ, और उल्टा आपका मन भी यही चल रहा है कि काश कि सही समय पर आ गया होता या आ गई होती, तो ये काम मैं जल्दी ही कर लेता या शुरुआत इसकी जल्दी ही हो जाती। इसके विपरीत अगर चलने से पहले आपने मन में विचार किया कि समय पर पहुंच ही जाऊंगा, इससे मन में व्यर्थ के जो विचार चल रहे थे, वहां तक जहां तक आप पहुंचे, वहां तक जितने भी नेगेटिव विचार आपने किए, उन सब पर एक विराम लग जाएगा। आप खुद ही सोचिए कि मन की स्थिति आपकी कैसी हो जाएगी, जब एक ही विचार को आप अपने अंदर सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं सही समय पर ही पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, या फिर आपने ऐसा कोई प्रयास किया कि आप समय से पहले निकल गए और आप खुश हैं कि अब मैं सही समय पर वहां पर पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी, तो इससे आपकी मन की स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उल्टा प्रोडक्टिव सोचकर वहां पर जाएंगे कि अब मुझे क्या क्या करना है। आप आगे की सोच रखेंगे, और जब आप आगे की सोच रखेंगे तो विचार अपने आप ही पॉजिटिव होते चले जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जो आपके साथ में हुआ है वो बार बार लगातार हो, ऐसा नहीं होता है। हर बार होगी वो चीज, लेकिन कुछ अलग तरीके से होती है। जैसा आप सोच कर गए हैं वैसा के वैसा नहीं होता है। ऐसे ही आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो बार बार लगातार हर बार अलग तरीके से हुआ है, एक ही तरीके से नहीं हुआ है। लेकिन दिमाग में इन विचारों को हमने घर करवा दिया है कि ये चीज इसी तरीके से होगी और आगे से आगे ऐसे ही होती जाएगी। चलिए आप आज एक कल्पना कीजिए कि घर में सबको भूख लग रही है, लेकिन बनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ऐसे में क्या करेंगे आप? बाहर से खाना मंगाएंगे। अगर आप बाहर से खाना मंगाते हैं तो आप खुद ही सोचिए कि आपकी खुशी किस चीज पर डिपेंड कर रही है। अगर कोई नहीं बनाना चाहता तो आपने सोचा कि क्यों ना बाहर से मंगा लिया जाए,
तो बाहर पर ही तो आपकी खुशी डिपेंड कर रही है कि बाहर वालों से ही मेरी खुशी है। इस दौर में हर किसी को बाहरी खुशी चाहिए, ना कि अंदरूनी खुशी। लेकिन जब तक आप अंदर से खुश नहीं हैं, तब तक आप जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। घर में खुशियों के लिए एक दूसरे की ओर हम ताकते रहते हैं कि वो इंसान मुझे खुशी दे दे, वो इंसान मुझे खुशी दे दे, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे बड़े, कोई तो हमें खुशी दे दे। लेकिन हम खुद किसी को खुशी दे पा रहे हैं या फिर दे भी रहे हैं, तो क्या सामने वाले को वो खुशी चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे तो बाहर वाली ही खुशी चाहिए। नतीजा क्या होता है कि आप कुछ खरीदेंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, जिससे कि आपको खुशी मिलेगी। आप ये सोचेंगे कि अरे आज तो मेरे पास में ये चीज मिल गई तो मैं खुश हूँ, लेकिन वो खुशी एक लिमिटेड पीरियड तक रहेगी। माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी कुछ भी नकारात्मक चीज नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों के साथ में कोई भी नेगेटिविटी हो। लेकिन जब वह किसी से बात करते हैं और परेशान होते हैं, आपस में माता पिता का भी झगड़ा हुआ है, तो वो हर बात अपने बच्चों को बताएंगे या फिर बच्चों पर ढोल देंगे या फिर बच्चों को डांटने लगेंगे। तो क्या इससे बच्चे की जो भी मेंटालिटी है वो नेगेटिव नहीं हुई? तो हम बचपन से ही तो यही कर रहे हैं सभी के साथ में। हमारे साथ में भी यही होता आया कि नेगेटिविटी ही हमने ली है। हम हर चीज को गलत तरीके से ही सोचते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। हर चीज नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन हमने हर चीज को नेगेटिव बना दिया है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब नेगेटिव ही बात कर रहे हैं। कुछ भी हमारे जीवन में घटित होगा उसके बारे में हम नेगेटिव ही सोचते हैं। उसके बाद में कभी उस चीज के लिए हम पॉजिटिव हो ही नहीं पाते हैं, चाहे लाख कोशिश करें। याद रखिए दोस्तों, नेगेटिव विचार हमेशा इसीलिए आते हैं क्योंकि आपकी जड़ ही कमजोर है। बचपन से जो चीजें हम सुनते आ रहे हैं, हम वैसे ही तो बिहेव करते हैं, हम वैसे ही तो आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए नेगेटिव विचारों को अगर आपको रोकना है तो जड़ पकड़िए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि जड़ क्या है, किस वजह से आपको इतने सारे नेगेटिव विचार आ रहे हैं, क्यों खुशियां आपको सिर्फ बाहर से ही मिल रही हैं, ऐसा आपको क्यों करना पड़ रहा है। एक मिनट आज के दिन पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस कीजिए और जानिए इसको कि आपके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, नेगेटिव विचार कहाँ से शुरू हुए हैं और क्यों इतने ज्यादा आ रहे हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है। आपको ही उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। वैसे तो मैंने इस पूरे वीडियो में आपको सॉल्यूशन ही बताया है कि अपनी मेंटालिटी को सुधारिए, अपनी मेंटालिटी को पॉजिटिव की तरफ जोड़िए। आप देखिए कि जिंदगी में या फिर आज के दिन में आपके साथ में पॉजिटिव क्या क्या हुआ है, और उसी पॉजिटिव के लिए आप खुश होइए, अंदरूनी खुशी लाइए और देखिएगा कि कैसे आपका जीवन बदल जाएगा। कोशिश करके जरूर देखिए, आज का दिन अपने आप पर फोकस करके जरूर देखिए और जो जो भी नेगेटिव आप कर रहे हैं उन्हें लिखिए कि ये चीजें मैं मेरी जिंदगी में नेगेटिव ही कर रहा हूँ। चाहे वो दिन की शुरुआत हो, चाहे वो ऑफिस जाना हो, चाहे या कुछ भी हो, चाहे आप बात भी कैसे करते हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। धीरे धीरे नेगेटिव विचार हटने लगेंगे और आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। कोशिश करके जरूर देखिए। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटिए।